घर हो या बाहर, गांव हो या शहर, कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है। हमारे कटिहार जिला के कोढ़ा प्रखंड के बिंजी गांव में लाल बहादुर सिंह की बेटी पिंकी अपने ससुराल से मायके आ रही थी। उसके ससुराल से एक स्टेशन पहले काढ़ा गोला में 9 बजे रात में उसको उतारे और स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर जंगल में गला दबाकर बहुत ही बेरहमी से उसका हत्या कर दी। 3 तारीख के भोर में हमारे सारे लाल बहादुर सिंह फ़ोन किए कि देखो ना, पिंकी आ रही थी ऐसे ऐसे ऐसे, 8:30 बजे तक बातचीत हुई है कि कटरिया तक हम पहुंच गए हैं, अब आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं खाना बना के रखने के लिए। आधा घंटा पौन घंटा के बाद सोचे कि अच्छा फिर फ़ोन कर देना के लिए। उसके बाद हम फ़ोन लगाए, यहाँ से इनके पिताजी बोले हम फ़ोन लगाए तो बातचीत बंद है। 5 साल के बाद हमारे जवान गुजर गए, घोषणा का शिकायत था, मर गए। इसके बाद जो है उसका देवर लोग परेशान करना शुरू कर दिया कि तुम छोड़ दो और चले जाओ। तो हमारी बच्ची कहने लगी कि जी नहीं, हम मरेंगे यहाँ से, कहीं शादी ब्याह नहीं करेंगे, हम इस धन संपत्ति पर रहेंगे और हम इसी गांव में कमाएंगे खाएंगे, हमारा हम शादी को बड़ा नहीं। उसके बाद उसके गोतनी से भी मारने पीटने लगी, देवर से मारने पीटने लगा कि यहाँ से तुम चले जाओ। माने वो तो अलग थी 3 साल पहले से, भाई बंटवारा तीनों का तीनों हो गया था। तो फिर सोचा कि नहीं, अपना हक हम नहीं शादी करेंगे लेकिन हक लेंगे, हम ऐसे रहेंगे लेकिन हक लेंगे। बड़ वक्त उसको झगड़ा होने लगा, माने यहाँ से भागने के लिए। वो मनोज का ससुर है, वो भी थोड़ा दूर में पड़ता है, वो भी आके उसको से लड़ने लगता है कि तो यहाँ क्या करती है, तुम जाओ। ये कहेगा हम नहीं जाएंगे, हम रहेंगे अपने हक पर रहेंगे। उसको गोतनी और मनोज, उसको देवर और एक अशोक है देवर से, उसको अथी बोला कि हम तुमको मार के फेंक देंगे। तो क्या ये बोला कि ठीक है तुम मार के फेंको, हम देखेंगे। तो उस दिन जो है, जिस दिन घटना हुआ उस दिन 8 बजे वहाँ से चल दी, ट्रेन पकड़ गए। रास्ते में उसके साथ देवर भी था, काढ़ावाला स्टेशन उतरा और काढ़ावाला स्टेशन पर घुमा फिरा दिया। इसके बाद उसको बोला कि हमको फ़ोन करके कहा कि हम मोटरसाइकिल बैग में, हम बैग से आ रहे हैं मोटरसाइकिल से, आप नहीं आइए। हम तो हम कहे जी जब वो बैग से चलिए आएगा मोटरसाइकिल से तो हमको जाने का क्या जरूरी है। हम थोड़ा अस्पताल दिए, हम पूछे कि किस आदमी से आ रहा है, तो बोला निजी आदमी, अपना आदमी है, देवर है, हम उसके साथ आ जाएंगे। जब हम गए काढ़ावाला स्टेशन, वहाँ छानबीन की गाड़ी जब चली गई तो मिला नहीं, नहीं आई यहाँ पर। तो हम लोग सुबह 4 बजे गए, वहाँ नहीं मिला। इसके बाद कटिहार गए, कटिहार में गए तो एक आदमी वहाँ से टेलीफोन किया कि आपको बच्ची के नाम का एक लाश पड़ा हुआ है काढ़ावाला स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, आप यहाँ आइए। तो फिर हम लोग कटिहार से चले गए, वहाँ गए तो थाना वाले लाश को लेकर थाना में आए हुए थे। तो हम थाने में आए थे लड़की को। हम चाहते हैं कि जिस तरह हमारा बेटी को दुर्घटना हुआ उसी तरह से सजा होना चाहिए। हमको तो जिंदगी रोते रोते बीत जाएगा। मैं और मेरा समुदाय चाहते हैं कि मृतक पिंकी देवी के हत्यारे को जल्द से जल्द सजा मिले। इसके लिए मैं वीडियो देखने वाले दर्शकगण से अपील करती हूं कि यहां के थाना प्रभारी का नंबर है 9431822778। इस नंबर पर कॉल कर इन पर दबाव बनाकर हमारी मदद करें। मैं नविता, जिला कटिहार, बिहार से इंडिया अनहर्ड के लिए।